फिल्म है, फिल्म का नाम है बलवंत खानेदार। और ये फिल्म हम लोग वाल्मीकि नगर में है, नेपाल बॉर्डर के पास हम लोगों ने शूट किया है, लखनऊ यूपी में हम लोगों ने शूट किया। और ये फिल्म हमने बिल्कुल इसमें करप्शन दिखाया, बालू बनान का दिखाया, जिसमें अधिकारी का ईमानदारी भी हमने दिखाया है, जिसमें IPS के रूप में हमने और इसमें जो नीचे स्तर के जो अधिकारी लोग होते हैं, जो आज के टाइम में जो करप्ट कर रहे हैं, करप्शन में हैं, हमने उस चीज़ को दिखाया है। और ये व्यक्तिगत रूप से हमने इसे प्रॉपर वर्कआउट किया कि आखिर रियल में ऐसा क्यों हो रहा है। हमने काफ़ी इस स्टोरी के पीछे सर्वे किया, स्वाति जी ने काफ़ी वर्कआउट किया, उसके बाद हमने इस नतीजे पर आने के बाद हमने कहा कि इसको वर्क करना चाहिए। फिर हमारा ये फिल्म बलमुआ थानेदार पड़ा। पहले इसको हमने जब धंधा के नाम से शूट किया था तो थोड़ा मैसेज समाज में सही नहीं जा रहा था, लोगों को लगा धंधा पता नहीं क्या फिल्म है। तो बिजनेस के लिए हमने धंधा डाला था कि धंधे के लिए लोग कितने गलत काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए कितने गलत काम करते हैं। तब जाकर हमने इसका नाम कर दिया बलमुआ थानेदार। और एक ईमानदार पुलिस अफसर पर है और करप्ट जो अधिकारी हैं उनके ऊपर है, ये सारे भूमिका हमने इसमें दिखाया हुआ है। और काफ़ी ही अच्छा फिल्म है और काफ़ी बेहतर फिल्म है। डायरेक्टर नेम सर? डायरेक्टर इसमें हमारे अविनाश जी हैं और स्वाति जी ने मेन डायरेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ है जी। और राइटिंग भी स्वाति जी ने ही की है जी। और इसमें अभिनेत्री भी हैं जी, और वेस्ट बंगाल से हैं। काफ़ी इन्होंने मतलब इस फिल्म के लिए वर्कआउट किया। लोकेशन सर कौन कौन से चूज किए आपने? हमने इस लोकेशन को एक तो आपका वाल्मीकि नगर हमने लिया, जो आपके नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है जी। और यूपी में हमने लखनऊ में शूट किया, गोरखपुर में, सजनवा में हमने शूट किया, फिर आपके गुड़गांव में सेक्टर 10 एक फार्म हाउस है, हमने वहाँ का भी कुछ सीन लिया, क्योंकि एक्चुअली टॉर्चर का सीन दिखाना था तो हमारे को पुलिस का लोकेशन नहीं मिल रहा, तो हमने वहाँ का लिया सारा चीज़। हमने इसको किया है, इसका ट्रेलर आज रिलीज होने जा रहा है और फिल्म इसका 3 जनवरी को रिलीज हो रहा है। कितना बजट इसका क्या रखा है? फिल्म बनाने में आपका कितनी लागत बजट आ गया है? ये फिल्म में टोटल हमारा 76 लाख रुपये लगी। और ये काफ़ी हमने अभी इसके टोटल 12 एपिसोड क्लियर हो चुके हैं, बाकी के बैलेंस इसके जो एपिसोड है उसके सारे फाइनलाइज हो रखे हैं और इसके और 15 एपिसोड आने हैं। सर आपने कूर में भी पहले कोई फिल्म बनाई गई है? नहीं, पहले एक्चुअली हम लोग एज ए फाइनेंसर काम करते थे, हम लोग फंड लगाते थे बिजनेस के लिए और फिल्म बनता था और हम लोग पैसा कमाते थे। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें हमने खुद IPS का रोल किया। मैम कुछ अपने बारे में बताइए। बस मुझे, मैं एक्चुअली बेसिकली कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ जी। मुंबई में मैंने काफ़ी साल तक एज ए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम किया, बॉलीवुड एंड सीरियल्स एंड शोज वगैरह में। एंड फिर उसके बाद थोड़ा डिसाइड किया कि एक्टिंग करने का, बहुत सारे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि एक बार एक्टिंग में ट्राई करो, तो बस उसी टाइम से एक्टिंग का सफर स्टार्ट किया हमने। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इस बार? बहुत अच्छा था, इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और शायद चैलेंजेस इतना ज़्यादा आया उसी की वजह से सीखने को मिला। कैमरा, लाइटिंग, ये सब के बारे में नॉलेज नहीं था, बट उन्होंने सिखाया टाइम ने, डायरेक्शन सिखाया, सब कुछ सिखाया। और राइटिंग तो मैं करना बहुत इंटरेस्टेड हूँ, नेक्स्ट फिल्म भी राइटिंग मेरा है, जो आने वाली फिल्म है नेक्स्ट हमारा शूट होने वाला है। जो मूवी बनाने में आपको कितना टाइम लगा? ये फिल्म बनाने में इसका शूट था कम से कम 35 डेज का। 35 डेज का शूट था। ये फिल्म है या वेब सीरीज है? नहीं, ये वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म। तो कितने एपिसोड्स में आपने बनाई है? अभी 12 एपिसोड हुआ है और भी 15। हाँ, 15 आने वाले। क्या ये अमेज़न प्राइम या नेटफ्लिक्स वगैरह में आने वाले दिनों में देखने के लिए दर्शकों को मिलेगी? जी जरूर मिलेगी। अभी आपका किसी के साथ एसोसिएट हुए हैं? नहीं, अभी हमने एसोसिएट इसलिए नहीं किया कि काफ़ी जगह से मेरे को ऑफर है और ऑफर आ भी रहे हैं, लेकिन अभी हम इसको उन लोगों के साथ टाई अप नहीं करना चाह रहे। वजह हम वजह यह है कि हमारा खुद का चैनल है। अच्छा। देसी तड़का फिल्म प्रोडक्शन, तो हम अपने चैनल से ही अभी इसको हम रिलीज कर रहे हैं। सर कौन सी डेट में रिलीज कर रहे हैं आप? 3rd January 2020। मैम स्वाति जी आपसे कुछ जानना है, जैसे इसका नाम ही जो है बलमुआ थानेदार, तो उसमें डायरेक्ट है कि जो एटीट्यूड है वो शायद थानेदार की बीवी का नजर आ रहा है इसमें? हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा किरदार है? ये जो SP साहब है इतना बिजी रहते हैं कि अपने बीवी को एक पल का भी टाइम नहीं देते हैं, तो हमेशा शिकायत रहता है उनको। तो शिकायत वाले एक डायलॉग आपसे सुनना चाहेंगे जरूर। ये घर है, ये ऑफिस नहीं, तो यहाँ पे नहीं रात चलेगा। तो तब जो IPS ऑफिसर रहते हैं वो बोलते हैं ठीक है मैडम,
ठीक है मैडम जी, जो आपको सही लगे। तो इस तरह का हमारा रोमांस बहुत दिखाया गया है, छोटे छोटे रोमांस, पर इतना ज़्यादा वहाँ पे क्राइम के ऊपर था। और इनके जो भाई का किरदार जिन्होंने निभाया पाली जी, तो उनके साथ के जो रिश्ता, इन दोनों के बीच का रिश्ता को मैं जोड़ना चाह रही थी जो फिल्म में पूरा का पूरा। तो इसके वजह से हमारे और इनके बीच में प्यार से ज़्यादा लड़ाई बहुत ज़्यादा दिखाया गया परिवार को जोड़ने के वजह से। बस पूरी फिल्म में जिस तरह से अभी अपना जो है कुछ करेक्टर की बात करते हैं, कुछ और मूवी भी बनाएंगे आपको? हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट फिल्म हम लोगों का राइटिंग हो चुका है, बस प्रोसेस चालू है। हाँ मैम, आपने क्राइम की बात करी मूवी में, और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा क्राइम ही बढ़ रहा है, क्या लगता है इस मूवी के आने के बाद क्राइम में कुछ कमी आएगी? देखिए हम तो मैसेज पहुँचाने के काम कर सकते हैं जी, सोच को बदलना का लिए ही हम लोगों ने इतना मेहनत किया है, उम्मीद रखते हैं कि किसी को सीख मिल जाए। इसमें आपने करप्शन के ऊपर कहा कि करप्शन से रिलेटेड है, तो क्या बिहार का करप्शन दिखा रहे हैं, यूपी का दिखा रहे हैं? बिहार जिसका हमने फिल्म बनाया था और उसी पे ये बना हुआ है, और जैसे जैसे इसका एपिसोड बढ़ते जा रहा है, इसमें हम हर तरह के क्राइम को आस्ते आस्ते हम दिखाते जा रहे हैं। और हमारा जो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो रेप पे है, कि लड़कियों के साथ आज के टाइम में जो हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको प्रॉपर इतना अच्छा डेवलप किया है कि मैं ये बता सकता हूँ आपको कि उस स्टोरी को जब आप लोग देखेंगे प्रॉपर जो है शूट के बाद, तो आप लोगों को महसूस होगा कि रियली हमने सब कुछ नेचुरल हम उसमें दिखा रहे हैं। और उसमें हम उस लड़की का ये रोल दे रहे हैं कि एक लड़की यदि अपने आप पे आ जाए तो किस हद तक जा सकती है। इसमें गाने वगैरह भी कुछ आपने ऐड किया? नहीं, इसमें हमने गाने नहीं दिया है, लेकिन ये काइंड ऑफ नॉट अ कमर्शियल मूवी, ये कमर्शियल मूवी जो थोड़ा बहुत होता है, सॉरी सर आपने जो जहाँ पर शूटिंग किया है वाल्मीकि नगर में और सटे हुए नेपाल से है, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा दर्द जो रहता है मानव तस्करी का ज़्यादा वहाँ होता है। बिल्कुल, तो क्या आपने वहाँ पर इस तरह का इश्यूज को लेकर बना रहे हैं कोई एपिसोड? हाँ, इसमें हमने दिखा रखा है ऑलरेडी, और ये वहीं से रिलेटेड और वहीं की स्टोरी है जी। तो हमने इसके पीछे वहाँ के पहले हमने लोकल ग्राउंड के लोगों से, जिनके यहाँ जो कमाल मियाँ बदमाश होता है, तो हमने उनके सारे सर्वे किए, हमने उनके यहाँ भी गए थे, हमने काफ़ी वहाँ के लोकल ग्राउंड के लोगों से हमने उनकी डिटेल्स लिया कि भाई क्या है, सच्चाई क्या है, क्योंकि सच नहीं लिख दिखाएंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है दिखाने का, क्योंकि हमने एक्चुअली रियल लाइफ पे स्टोरी हमने डेवलप किया है। सर आपने पुलिस वाले का जो किरदार निभाया है, क्या लगता है कि पुलिस की कैसी आपने छवि दिखाई है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव में? नहीं, हमने तो बिल्कुल ही पॉजिटिव दिखाया और ईमानदार अफसर का दिखाया। हमारे को तो काफ़ी पैसे के ऑफर आए, बहुत सारा धमकियाँ भी हमारे को आई, मतलब इनडायरेक्ट, ओपन किसी ने तो नहीं दिया, फिल्म में हमने चीज़ दर्शाया है। और हमारे जो जूनियर जो मैनेजमेंट है, जो अधिकारी डिपार्टमेंट में, हमने उनकी भी दिखाई है कि वो लोग कुछ पैसों के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं। तो ये किसी रियल बेस्ड पुलिस वाले के ऊपर बेस्ड स्टोरी या काल्पनिक? ये उतना भी रियलिस्टिक नहीं है, बट काइंड ऑफ रियलिस्टिक है, ये कमर्शियल टाइप का नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्शन हम लोग वीएफएक्स इफेक्ट देके करवाए ऐसा कुछ नहीं है, जो भी एक्शन है वो पूरा रियलिस्टिक है, इन्होंने जो भी एक्शन किया वो सारे रियलिस्टिक है। कितना परसेंटेज लगता है कि जो पुलिस होते हैं ईमानदार होता है, कितना परसेंटेज? देखिए आज भी ईमानदार अधिकारी लोग हैं, एक्चुअली मैं रियल बात एक बताऊँ तो मेरा एक पैर भी करने के लिए मैं गया था किसी का, अभी रिसेंटली का मैटर है, तो उन्होंने ये बोला, अभी आपके दिल्ली का ही मैटर है, करोलबाग थाने का है, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि देखिए गलत हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आज भी बहुत सारा चीज़ हो रहा है, तो ये आपको भी बेहतर तरीका से पता है, और आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, हम तो शायद कुछ छिपा के बोल दें लेकिन आपसे कुछ नहीं छिपा हुआ है। तो लोग करप्ट हैं नो डाउट, लेकिन ईमानदार भी हैं। तो एक सवाल है कि क्या हम हमेशा प्रशासन और कानून व्यवस्था और सरकार को गलत ठहराते हैं, क्या ये जायज है या? लोगों में जागृति आना जरूरी है, क्योंकि जब हम ही लोग गलत हैं तभी तो वो गलत कर रहे हैं ना, क्योंकि पैसे दे रहे हैं तभी तो पुलिस। हाँ, हम नहीं देंगे तो वो नहीं लेंगे, क्यों लेंगे, वो हमारी गलती है। एकता होना चाहिए पूरे समाज में, ताकि एकता के साथ हम आगे बढ़े। जैसे जो मूवी बनाई है आपने, क्या वो दिखा सकते हैं आप थोड़ा? हाँ दिखा देंगे आपको। ठीक है, अच्छा सर मैडम आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि अभी जो लगातार जो है गैंग रेप लटका इस तरह से हो रहा है, क्या उस पर भी एक बेस्ट कोई है ऐसे जो से उड़े ला रहे हैं? सॉरी, जो उस पर बेस्ट कोई आप स्टोरी ला रहे हैं? हाँ, हम लोग नेक्स्ट जो ला रहे हैं नीडर
फिल्म ला रहे हैं उसमें बेस्ड ऑन रेप है और मैं समाज को एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो हमारे प्रोडक्शन देना चाहते हैं, हमारी टीम देना चाहते हैं, कि बोला जाता है कि लड़कियों को सिर्फ उनके कपड़े के वजह से रेप होता है, ठीक है। तो मैं उसमें ऐसे दिखाऊंगी कि ऐसा नहीं है, हर तरह का, 2 महीने का बच्चे का भी रेप हो रहा है, 55 के औरत का भी रेप हो रहा है, तो वो उस बेस पे हम वो फिल्म लाने चाहते हैं। ठीक, चलिए मैम एक लास्ट क्वेश्चन, क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो है हमारे दर्शकों को? बस क्राइम से बच के रहिए, हमारे फिल्म देखिए और हो सके हम लोगों ने जितना मेहनत किया है उसको थोड़ा सा समझिए और सारे करप्शन से दूर रहिए। ठीक, लास्ट एंड लेवर द लिस्ट फाइनल क्वेश्चन है, जब आपकी मूवी रिलीज हो जाएगी 3 तारीख को, आप उसका संसाधन और उसका कनेक्टिविटी बताइए ताकि लोग उस मूवी को जैसे ही लॉन्च होती है उसके बाद भी देखने में कामयाब रह पाए, चाहे वेबसाइट के जरिए, चाहे यूट्यूब के जरिए, चाहे कैसे भी करके। वो ये जो हमारा खुद का जो प्रोडक्शन है, देसी तरह का फिल्म प्रोडक्शन, अभी तो हम इसके थ्रू ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं जी, और 90% ये है कि ये थिएटर में भी चलेगा, क्योंकि हमारा चल रहा है मैनेजमेंट से बात, यदि हमारा कोई अप्रूवल मिल जाता है तो हम इसको थिएटर में भी चलाएंगे, नहीं तो हमारा जो चैनल है देसी तरह का फिल्म प्रोडक्शन यूट्यूब से, उस पर सबको हर एक एपिसोड मिलते रहेंगे। ठीक, थैंक यू सर। तो सब्सक्राइब के लिए सभी को एक बार निवेदन कर दीजिए ताकि सभी आने वाले, क्योंकि एपिसोड्स है ना वो रेगुलर आते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे, तो आप एक बार बता दीजिए दर्शकों को ताकि वो जुड़े रहें आपको। इसी तरह का फिल्म प्रोडक्शन जो हमारा चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें और हम आप लोगों के साथ बने रहें और हमें प्यार मोहब्बत आप लोग। जब आप अपने लिए बोली दे तो हम लोग भी सोशल मीडिया से लगा हुए, हमारे लिए भी बोलिए दीजिए। और आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप लोग दिखाएं और आप लोग भी हमारे लिए प्यार मोहब्बत ऐसे ही बनाए रहें और हम लोग आपके साथ जुड़े रहें। और आप लोगों ने ये जो चीज़ आज किया है, एक हम आपके मीडिया के माध्यम से हम इस चीज़ को जो मैसेज दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है और दिल से थैंक यू। Thank you.